दोस्तों इमेजिन कीजिए कि आप किसी प्रोजेक्ट पर कई हफ्तों से काम कर रहे हैं और अचानक किसी कारण की वजह से आपका वो फाइनल प्रोजेक्ट करप्ट हो जाता है, या फिर ठीक किसी इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन से पहले आपका लैपटॉप काम करना ही बंद कर देता है, तो ऐसी सिचुएशन में आपका क्या रिएक्शन होगा? यकीनन आप घबरा जाएंगे, आपका मन चीखने चिल्लाने को करेगा, आप अपनी किस्मत को दोष देने लगेंगे या फिर अपना ये गुस्सा किसी पर उतार देंगे। दोस्तों ऐसी मुश्किल सिचुएशन में इस तरह रिएक्ट करना एक नॉर्मल बात लगती है, लेकिन असल में ये एक कमजोर दिमाग की निशानी है। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझाता हूँ। साल 1914 में द ग्रेट इन्वेंटर थॉमस एल्वा एडिसन की एक फैक्ट्री में आग लग गई, जिसमें वो सभी एक्सपेरिमेंट से जलकर खाक हो गए जिन पर एडिसन पिछले कई सालों से काम कर रहे थे। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि अपनी फैक्ट्री और एक्सपेरिमेंट्स को जलता देख एडिसन ने क्या कहा? उन्होंने ये कहा, अच्छा हुआ जो अब तक मैं जितनी भी गलतियां कर रहा था वो सब जलकर राख हो गई और अब मैं एक नई शुरुआत कर सकता हूँ। और दोस्तों इसे कहते हैं मेंटल टफनेस, जो हर सक्सेसफुल आदमी का सीक्रेट है। लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि हर कोई शुरू से मेंटली स्ट्रांग नहीं होता, लेकिन कुछ हैबिट्स या फिर एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं जो लोगों को मेंटली स्ट्रांग बनाते हैं। और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी हैबिट्स के बारे में बताने वाला हूँ जो स्ट्रांग माइंड की निशानी है, या फिर जिन्हें अपनाकर आप भी अपने दिमाग को स्ट्रांग बना सकते हैं। तो वीडियो छोड़कर कहीं भी जाइएगा मत। फैक्टिफाइड फैक्ट्स ऑन योर फेस। एक्सेप्टिंग चेंज। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि ईगल दुनिया का ऐसा इकलौता पक्षी है जो 70 सालों तक जीता है? जी हाँ, लेकिन हाँ, इतने साल सर्वाइव करने के लिए ईगल को भी एक पेनफुल चेंज को एक्सेप्ट करना पड़ता है। दरअसल दूसरे पक्षियों की ही तरह 40 साल की उम्र आते आते ईगल के पंजे कमजोर हो जाते हैं और इतने सालों तक शिकार करने से उसकी चोंच भी टेढ़ी हो जाती है। अब ईगल के पास दो रास्ते बचते हैं। पहला तो ये कि वो इसी चोंच और पंजों के सहारे अपनी जिंदगी काटे और अपनी मौत का इंतजार करे, और दूसरा ये कि वो एक रीबर्थ प्रोसेस से गुजरे। और इस प्रोसेस में एक ईगल अपनी चोंच से किसी पत्थर पर तब तक वार करता है जब तक उनकी चोंच टूटकर गिर ना जाए, और जब उनकी चोंच टूटकर गिर जाती है तो वो नई चोंच आने का इंतजार करते हैं। वही अपनी इस नई चोंच से वो अपने पुराने पंजों को भी उखाड़ देते हैं और अपने मोटे पंखों को भी कुतर देते हैं, जिसके बाद उनके शरीर पर दोबारा नए पंख और पंजे भी आने लगते हैं। दोस्तों इस पूरे प्रोसेस में एक ईगल को असहनीय दर्द का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो जानता है कि अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे ये दर्द सहना ही पड़ेगा। इस चेंज को एक्सेप्ट करने की हिम्मत बाकी के पक्षियों में नहीं होती और इसीलिए वो इतने सालों तक सर्वाइव नहीं कर पाते। और दोस्तों ईगल के इसी रीबर्थ प्रोसेस से सीखते हुए अगर आप भी लाइफ में कामयाब होना चाहते हैं और एक हेल्दी लॉन्ग लाइफ जीना चाहते हैं तो आपको भी अपनी लाइफ में वक्त वक्त पर रीबर्थ प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ेगा। एस्टैब्लिशिंग बाउंड्रीज। दोस्तों कई बार होता है जब हम किसी चीज के लिए मना करना चाहते हैं लेकिन चाहकर भी नहीं कर पाते और फिर बाद में पछताते हैं कि मैंने ना क्यों नहीं कहा। तो दोस्तों एक मेंटली स्ट्रांग इंसान की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि उसे ना कहना आता है। उसे पता होता है कि उसके लिए कौन सी चीज इम्पोर्टेंट है और कौन सी नहीं, उसे किस चीज को कितना वक्त देना है। इसके लिए लाइफ में चीजों को प्रायोरिटाइज करना और बाउंड्रीज क्रिएट करना बहुत जरूरी होता है। एग्जाम्पल के लिए इमेजिन कीजिए कि आपका दिमाग एक बुकशेल्फ है जिसमें बहुत सारी किताबें पड़ी हैं, और इनमें से कई किताबें तो ऐसी हैं जिन्हें आप पढ़ते भी नहीं और वो सिर्फ आपके घर का स्पेस ले रही हैं। ऐसे में अगर आप उन किताबों को अपनी शेल्फ से बाहर निकाल दें और बाकी की बची किताबों को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख दें तो अगली बार आपको किसी भी किताब को ढूंढने में कंफ्यूजन नहीं होगी। और ऐसा ही कुछ रियल लाइफ में भी होता है। अगर आप सिर्फ बेस्ट चीजों को सिलेक्ट करेंगे तो आपको यकीनन बेस्ट ही मिलेगा, लेकिन अगर आप अपनी चॉइसेस को लेकर सिलेक्टिव नहीं होंगे तो आप हमेशा कंफ्यूजन में ही रहेंगे कि आपको क्या चुनना है और क्या नहीं। सैक्रिफाइस। दोस्तों आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अब कहने को तो बस ये एक कहावत ही है, लेकिन असल में भी देखा जाए तो हर सक्सेस का यही मूल मंत्र है।
एक खूबसूरत मॉडल बनना है तो डाइटिंग और जिम करनी पड़ेगी। एक प्लेयर बनना है तो सुबह जल्दी उठकर प्रैक्टिस करनी होगी। यहाँ तक कि अगर किसी को एक सन्यासी भी बनना है तो उसे भी बहुत सारे त्याग करने पड़ते हैं। अब इंडियन क्रिकेटर विराट कोहली को ही ले लीजिए। आप तो जानते ही हैं कि वो दिल्ली से हैं और उन्होंने अपने कई इंटरव्यूज में बताया है कि उन्हें बचपन से ही छोले भटूरे और आलू के पराठे बहुत पसंद है। लेकिन दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे कि जब से वो क्रिकेटर बने हैं तब से उन्होंने छोले भटूरे और पराठों को छुआ तक नहीं? और ऐसा इसलिए ताकि वो लंबे वक्त तक अपनी बॉडी को खेलने के लिए फिजिकली फिट रख सके। और दोस्तों, जिस दिन आप भी अपनी लाइफ के गोल्स को अचीव करने के लिए दिल से सैक्रिफाइस करने को तैयार हो जाएंगे, उस दिन आपको भी सक्सेस की सीढ़ी मिल ही जाएगी। कामनेस। इंडियन क्रिकेट टीम के ही एक और बड़े दिग्गज खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी रहे हैं, जिन्होंने वैसे तो अब क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। लेकिन दोस्तों, अगर आप भी क्रिकेट फैन हैं तो आपने देखा होगा कि धोनी बुरी से बुरी सिचुएशन में भी अपना आपा नहीं खोते थे और खुद को शांत रखते थे। तभी तो उन्हें कैप्टन कूल भी कहा जाता था। ऐसे ही अगर आप भी बुरी सिचुएशन आने पर अपने आप को शांत रखते हैं तो इससे आपके दिमाग को सही डिसीजन लेने में मदद मिलती है। आपके दिमाग की सेंसेस सही तरीके से काम करती हैं और उन्हें पता होता है कि अगला स्टेप क्या लेना है। लेकिन वहीं अगर आप घबरा गए या फिर पैनिक कर गए तो ऐसी सिचुएशंस में आपका दिमाग सही से काम नहीं कर पाता और आप अक्सर गलत फैसला ले लेते हैं, जिससे प्रॉब्लम घटने की बजाय और भी बढ़ जाती है। बिलीविंग योरसेल्फ। दोस्तों, सिचुएशन अच्छी हो या फिर बुरी, खुद पर यकीन रखना एक स्ट्रांग माइंड की सबसे बड़ी निशानी होती है। जो लोग मेंटली स्ट्रांग होते हैं वो डिसीजन लेने से पहले सोचते हैं, लेकिन डिसीजन लेने के बाद ना तो उस पर रिग्रेट करते हैं और ना ही फेलियर से डरते हैं। अब एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स को ही ले लीजिए। स्टीव जॉब्स ने एक गैराज से एप्पल कंपनी की शुरुआत की थी, लेकिन जब कंपनी सक्सेसफुल हो गई तो उनको उन्हीं की कंपनी से फायर कर दिया गया। और दोस्तों, जिस कंपनी को आपने खुद शुरू किया हो उससे निकाले जाने से बड़ा दुख क्या हो सकता है? आमतौर पर ऐसा कुछ होने के बाद लोग टूट जाते हैं और शायद ही किसी में इतनी हिम्मत रहती है कि वो नई शुरुआत कर सके। लेकिन इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी स्टीव जॉब्स को खुद पर यकीन था। कंपनी से निकाले जाने के बाद उन्होंने नेक्स्ट और पिक्सार शुरू की, जिनके दम पर वो दोबारा एप्पल के सीईओ बने। तो अगर स्टीव जॉब्स खुद पर से यकीन खो बैठते और वापिस एप्पल को हासिल नहीं करते तो शायद आज ये दुनिया उन्हें दुनिया के मोस्ट सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स में से एक नहीं मानती। तो दोस्तों, इन सभी हैबिट्स को जानने के बाद आप भी समझ गए होंगे कि लोगों को सक्सेसफुल और कुछ नहीं, उनका अपना दिमाग ही बनाता है। खैर, नीचे कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि इनमें से कौन सी हैबिट को आप फॉलो करने वाले हैं या फिर इनमें से कौन कौन सी आदतें आपको ऑलरेडी हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। और ऐसी सभी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए जुड़े रहे फैक्टिफाइड हिंदी के साथ। अपना अपने चहेतों का ख्याल रखें, खुश रहें, और वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।